दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अपने मैंगो प्लांट की अपडेट देने वाला हूं और मैंने जितने भी मैंगो प्लांट लगाए हुए हैं छत के ऊपर वो सारे प्लांट आपको दिखाऊंगा, क्योंकि प्रचंड गर्मी चल रही है और लू भी चल रही है। ऐसे में मेरे प्लांट्स की हालत क्या है, जबकि मैंने अपनी छत के ऊपर ग्रीन नेट भी नहीं लगाया हुआ है। तो एक एक प्लांट की अपडेट दूंगा और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं जय होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए वीडियो करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं मैंगो की अपने छत के ऊपर जितने भी वैरायटी लगाया हुआ हूं सब एक एक करके दिखाऊंगा। और प्रचंड गर्मी चल रही है, लू चल रही है और मेरे छत के ऊपर ग्रीन नेट भी नहीं है। छत के ऊपर का हिस्सा दिखा दीजिए, कोई ग्रीन नेट नहीं लगी हुई है। और ये देखिए, तब भी आम मेरे गमले में देखिए लगा हुआ है। और ये देख लीजिए 6 इंच का ये हो चुका है। मेरा हाथ देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए। और ये है थाई बनाना मैंगो। इसका वजन देखिए कितना हो गया है, ये देखिए कि डाली लटक जा रही है। सोचिए कि अगर 10 मैंगो मैं अगर इस पर ले लेता, क्योंकि मैंने फ्रूट काट दिए, 10 मैंगो ले लेता तो डाली टूट जाती। तो सोचिए कि इतने भारी भारी साइज के मैंगो गमले में देखिए ये लग जाते हैं। ये थाई बनाना मैंगो का फ्रूट है। और यहाँ पर देखिए एक फ्रूट लगा हुआ है इसी प्लांट में, और ये करीब 1/2 किलो के आसपास हो चुका है। ये देख सकते हैं काफ़ी वेटेड है और पूरी जो टहनी है इसकी झुकी जा रही है, ये देख सकते हैं। और प्लांट में न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट है, जरा ग्रोथ दिखाते हैं, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ से भी फ्लावर आ रहा है। और ये मई का महीना चल रहा है और यहाँ देखिए बनाना मैंगो लगा भी हुआ है और यहाँ देखिए फिर से फ्लावर आ रहा है। हालांकि ये फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाया क्योंकि प्रचंड गर्मी है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये थाई ऑल टाइम का है। ये वाला जो प्लांट है थाई ऑल टाइम का है, हरा भरा है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, कुछ बर्निंग की प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसीलिए भाइयों, जिनके यहाँ पर छत के ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रीन नेट आप लगा लें। और मैं अभी नहीं लगवा पा रहा हूं, लेकिन मैं भी लगाऊंगा ग्रीन नेट। अभी मैं नहीं लगवा पा रहा हूं, बाद में इसकी व्यवस्था करूंगा, क्योंकि अभी तक जैसे तैसे चल जा रहा था, लेकिन अब इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि अब बारिश हो नहीं रही है। जनवरी से लेकर ये मई का महीना आ गया, 1-2 बार भी बारिश नहीं हुई। अच्छी खासी बारिश एक बार हो जाती है तो जो पौधे हैं फिर से चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये बनाना मैंगो के नाम से आया था, लेकिन ये बनाना मैंगो मुझे नहीं लग रहा है और ये मुझे लग रहा है महाचनक, क्योंकि बनाना मैंगो और महाचनक में सिमिलरिटी थोड़ी थोड़ी होती है। ये देख सकते हैं ये बनाना मैंगो काफ़ी लंबा है और ये देखिए महाचनक मैंगो, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन ये मैंगो की वैरायटी है। और यहाँ देखिए मैंने सपोर्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, वरना ये जो डाली ये देखिए कितना वेट है, ये भी 400-500 ग्राम का आम। ये डाली जो है कितना वजन हो गया इस पर, पास दिखा दीजिए, जरा पास से दिखा दीजिए कितना वजन हो गया है और ये सपोर्ट लगाने लायक हो गया है। मुझे लग रहा है अभी इसका वेट और बड़ा होगा। ये देख सकते हैं ये महाचनक मैंगो मुझे लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा मैंगो लग रहा है। अब यहाँ जो मैं मैंगो की वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए मई का महीना चल रहा है, मैं डाली थोड़ा झुका लेता हूँ, ये देखिए फ्लावर दिखाइए जरा पास से, ये देखिए मई के महीने में फ्लावर आ रहा है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि देखिए ये गमले में काफी खरपतवार जमी हुई है, पास से दिखा दीजिए। ये खरपतवार मैं किसी भी हालत में नहीं निकालने वाला और 3 महीने तक इस खरपतवार को नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ ग्रीन नेट की व्यवस्था नहीं है और ये मल्चिंग है इस प्लांट की, समझ लीजिएगा ये प्राकृतिक मल्चिंग है। 3 महीने के बाद मैं इस घास फूस को यानी गुड़ाई निराई करके सब हटा दूंगा और जितने भी घास इसमें जम जा रही है, जैसे बगल वाले प्लांट में भी देखिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ और यहाँ देखिए नमी मौजूद है और इस प्लांट में भी देखिए नमी मौजूद है, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नमी मौजूद है और इसी वजह से ये प्लांट हरा भरा है। और बगल में ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, पास से दिखा दीजिए, फ्लावर आ रहा है, ये देखिए ये है थाई काटिमोन मैंगो, 12 मासी की सबसे बेहतरीन वेराइटी, ये देख सकते हैं। और 1-2 फ्लावर नहीं आ रहा, भर भर के फ्लावर आ रहा है, ये देखिए पूरे प्लांट में। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो जगह जगह से फूल ही फूल आते हैं, तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फूल आ रहे हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये 400 ग्राम का फ्रूट है और काटिमोन मैंगो में सीड बहुत पतला होता है, खाने में मीठा होता है
27 TSS होता है, सेल्फ लाइफ 10 दिन की है, तो इसलिए बारहमासी में एक बेहतरीन वैरायटी है। और यहाँ देखिए ये फ्रूट कहीं गिर ना जाए, इस वजह से मैंने देखिए यहाँ पर सपोर्ट लगा रखा है, वरना ये फ्रूट का साइज और बड़ा होगा तो ये गिर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही कार्टिमोन मैंगो का फ्रूट लगा हुआ, मैं आपको और दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए ये 400-500 ग्राम का ये फ्रूट है, और यहाँ देखिए इतना वजन हो गया कि इसकी डाली मुड़ी आ रही है। हालांकि पौधा उतना स्ट्रांग मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैंने फिर भी इसमें एक फ्रूट ले लिया। मैंने लिए थे 3 फ्रूट, लेकिन 2 फ्रूट गिर गए और 1 फ्रूट बचा है, ये देख सकते हैं। और कितना हेल्दी फ्रूट है, बंदरों से बचा के रखा हुआ है, देख सकते हैं। कुछ दिनों में ये फ्रूट पक जाएंगे, यानी कि अभी 20-25 दिन और लगेगा, और इसमें भी 20-25 दिन लग सकता है, क्योंकि ये भी देखिए हल्का हल्का पीला हो रहा है, ये देख सकते हैं। और इसमें भी यही सेम प्रक्रिया है, ये देखिए फ्लावर आ रहा है और नई ग्रोथ भी स्टार्ट है, यहाँ देखिए फ्लावर आ रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन काफ़ी अच्छी है प्लांट की। प्लांट हरा, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये कच्चा मीठा मैंगो का प्लांट है, देखिए हरा भरा है, पूरी तरीके से स्वस्थ है। और इसी के बगल में ये देखिए, ये भी एक मैंगो का प्लांट है, इसमें एक मैंगो लगा हुआ है और प्लांट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कलर मैंगो वैरायटी, और कलर मैंगो वैरायटी के प्लांट मैंने कुछ अलग जगह पर रखे हुए हैं अपनी छत के ऊपर, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मियाजाकी मैंगो, ये देखिए कितना बेहतरीन मियाजाकी मैंगो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मैंगो आप देख रहे हैं ये है अरुणिका मैंगो, लखनऊ CISH की जो वैरायटी है अरुणिका मैंगो। हालांकि ये प्लांट अभी बहुत छोटे हैं, और फिर भी मैंने देखिए इसमें 3-4 फ्रूट ले लिए, ये देख सकते हैं आप। कलर कितना प्यारा देखिए दोस्तों आ गया है, और ये भारतवर्ष की सबसे ड्रॉप वैरायटी है अरुणिका मैंगो, जो कि अम्रपाली और वनराज से क्रॉस से विकसित हुई। और ये तो आप लोग जानते ही हैं वर्ल्ड फेमस मैंगो मियाजाकी। हालांकि ये प्लांट अभी छोटा है, लेकिन मैंने एक फ्रूट इसमें ले लिया, ये देख सकते हैं। ये सब मिट्टी के पॉट में है, और यहाँ पर देखिए अरुणिका मैंगो छोटा प्लांट फ्रूट लग गया। गमले में 1-2 फुट लिए जा सकते हैं, और इसीलिए मैंने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जुलाई में जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो मैं फिर से इसे फर्टिलाइजर दूंगा अच्छी तरीके से, ताकि अगले साल के लिए फिर तैयार हो सके। और ये मेरे कुछ प्लांट हैं बारी लेवन के हैं, और ये है रेड ड्रैगन मैंगो, देखिए अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने मैंगो प्लांट्स की अपडेट दी जो कि गमले में लगे हुए हैं, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि जो मैंने प्लांट्स अपने छत के ऊपर लगाए हुए हैं उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, और उसमें फ्रूट लगा है कि नहीं लगा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स अच्छी तरीके से चल रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। भाइयों ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।